दोस्तों IPL 2025 के रिटेंशन पर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और यह अपडेट IPL मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई है। और आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि कौन सी टीम कितने प्लेयर को रिटेन कर सकती है, क्योंकि BCCI और IPL फ्रेंचाइजी के मालिकों के बीच में जो मीटिंग हुई थी उसमें फ्रेंचाइजी मालिकों ने साफ कहा था कि हम प्लेयर को तैयार करते हैं, टीम तैयार करते हैं और आप मेगा ऑक्शन करवा देते हैं और हमको प्लेयर्स छोड़ने पड़ जाते हैं और फिर से टीम बनानी पड़ती है, कई बार अच्छी टीम नहीं हो पाती है और हम चैंपियनशिप जीत नहीं पाते हैं। तो ऐसे में या तो आप मेगा ऑक्शन खत्म कर दीजिए या तो कम से कम 5-6 प्लेयर्स को रिटेन करने की अनुमति दीजिए। तो IPL फ्रेंचाइजी के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि उनको 6 प्लेयर को रिटेन करने का अनुमति मिल सकती है। पहले 3 प्लेयर्स को रिटेन करने की अनुमति मिलती थी, 3 इंडियन प्लेयर्स और 1 विदेशी प्लेयर्स, यानी कि कुल मिलाकर 4 प्लेयर 2022 तक अलाउ था। उसके बाद आप 4 प्लेयर को रिटेन कर पाते थे, लेकिन अब आप 6 प्लेयर को रिटेन कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे उसका भी तरीका अलग है। राइट टू मैच नियम की हो सकती है वापसी। अब ये नियम क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बड़ी अपडेट ये है कि RTM और रिटेंशन यानी कि इन दोनों को मिलाकर 6 प्लेयर्स की अनुमति मिल सकती है। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, कुछ प्लेयर आप RTM कार्ड से ले सकते हैं, कुछ प्लेयर आप पहले से रिटेन कर सकते हैं। आप 4+2 या फिर 3+3 का रिटेंशन प्लस RTM के फॉर्मूले से इन प्लेयर्स को रिटेंशन हो सकता है, यानी कि आप 4 प्लेयर रिटेन कर लिए और इसके बाद 2 प्लेयर्स को आप RTM कार्ड खेल लिया, या 3 प्लेयर रिटेन कर लिए, 3 प्लेयर पर RTM कार्ड खेल लिया, इस तरीके से हो सकता है। ये कैसे होगा थोड़ी दिन बाद क्लियर हो जाएगा कि आप 4+2 के फॉर्मूले से लेंगे या फिर 3+3 के फॉर्मूले से लेंगे। अब क्या है ये RTM कार्ड जिसकी वापसी हो रही है? RTM कार्ड यानी कि राइट टू मैच का इस्तेमाल नीलामी के दौरान होता है, जब ऑक्शन होता है उस दौरान राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे होता है ये जानिए। मतलब मान लीजिए रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस रिटेन नहीं करती है क्योंकि आपसी प्लेयर है। मुंबई इंडियंस ने मान लीजिए जसप्रीत बुमराह को रिटेन किया, सूर्य कुमार यादव को रिटेन किया, हार्दिक पांड्या को रिटेन किया, ऐसे में क्या होगा रोहित शर्मा को रिलीज करना पड़ेगा। अब ऐसे में रोहित शर्मा ऑक्शन में आ गए, ऑक्शन टेबल पर गए। अब RCB जिसको कप्तान की भी जरूरत है क्योंकि उनका कप्तान फाफ डुप्लेसिस है, कप्तानी में वो दम नहीं दिख रहा है, अपनी कैप्टेंसी में वो जिता नहीं पा रहे हैं, तो होगा क्या, मान लीजिए नीलामी में रोहित शर्मा पर RCB 15 करोड़ की बोली लगाती है और RCB के पास जा रहे होते हैं रोहित शर्मा। अब ये मुंबई को दिखता है कि RCB ले लेगी हमारे हाथ से, रोहित शर्मा छिन जाएगा, तब क्या होगा, तब ऐसे में मुंबई इंडियंस रोहित को RTM कार्ड से खरीद सकती है। यानी कि एक ऐसा प्लेयर जो आपकी टीम में रहा है पिछले साल यानी कि 2023 में जो आपकी टीम में था या फिर 2024 में आपकी टीम में था, अब अगला साल यानी कि 2025 की नीलामी है तो उसमें आपके पास जितने भी प्लेयर थे उन पर राइट टू मैच कार्ड खेल सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये प्लेयर पिछले सीजन था, हमको वापस चाहिए, तो होगा क्या रोहित पर MI ने राइट टू मैच कार्ड खेलती है। तो ऐसे में जितने कीमत पे नीलामी होती है यानी कि 15 करोड़ रुपया RCB ने दिए कि भाई हमको 15 करोड़ में दे दो, RCB ने बोली लगाई, इधर मुंबई ने राइट टू मैच कार्ड खेल दिया कि भाई हम रोहित को राइट टू मैच कार्ड के तहत ले रहे हैं, तो जितनी वैल्यू RCB लगाई है यानी कि 15 करोड़ की वैल्यू लगी है तो 15 करोड़ में ही मुंबई इंडियंस को रोहित को खरीदना पड़ेगा। अब ये 15 करोड़ 10 भी हो सकता है, 15 करोड़ 20 भी हो सकता है, ये फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया। मान लीजिए राइट टू मैच कार्ड के तहत इस तरीके से प्लेयर को रिटेन करना होता है, वो मैं आपको तरीका बताया कि कैसे प्लेयर को आप राइट टू मैच कार्ड के तहत लेते हैं। यानी कि यह एक ऐसा नियम है जो आपको अपना ही प्लेयर जो आपकी टीम में था उसको नीलामी के दौरान खरीदने का एक राइट देता है, इसलिए इसका नाम है राइट टू मैच। सामने वाली टीम के साथ, सामने वाली फ्रेंचाइजी के साथ आपका राइट है कि आप अपने प्लेयर को कीमत मैच करा लीजिए और उनको ले लीजिए। तो ये है कुल मिलाकर अभी बड़ी अपडेट कि 6 प्लेयर को रिटेंशन हो सकता है, मेगा ऑक्शन जरूर होगा और साथ ही साथ राइट टू मैच का वापसी हो सकती है। बाकी दोस्तों ये राइट टू मैच वाला ऑप्शन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।